हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइज, आज की वीडियो भी मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ। सो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी चल रहा है मॉनसून का सीज़न, या फिर जस्ट आने ही वाला है, यानी कि बारिश, उमस ये सब आने वाली है। काफ़ी गीलापन रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी एयर में इस तरह की। और आप सबको पता है कि इस तरह के मौसम में जो है बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा पनपते हैं, यानी कि बिल्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स, या फिर आप कह सकते हैं कुछ उपाय, जिसे कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके वेजाइना को मॉनसून के सीज़न में आप कह सकते हैं इन्फेक्शन से बचाने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जी हाँ, तो सो गाइज, आप सबको पता है कि इस मॉनसून के सीज़न में हमारे वेजाइना में कुछ कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, किसी को होते हैं किसी को नहीं भी होते हैं, बट ये मॉनसून में काफ़ी नॉर्मल है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह बिल्ड होते हैं। मॉनसून का मौसम होता है तो इनमें इनको ज़्यादा बिल्ड होने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। होते हैं उसे हम यूटीआई कह सकते हैं। यूटीआई करके एक इन्फेक्शन होता है जिसमें ईस्ट वगैरह आपके वेजाइनल एरिया पे बढ़ जाते हैं, जिससे कि काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जिससे कि अगर आप फॉलो करते हैं तो इस मॉनसून सीज़न या कभी भी आपके वेजाइना में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगी, आप आराम से फ्रीली रह पाएंगे। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे कॉमन और आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टिप है, वो है कि आपको वेंजाइना को साफ़ रखना होगा। जी हाँ, अपने वेंजाइना की सफाई का आपको ध्यान रखना है। करना कुछ भी नहीं है, कभी भी आप सोप को यूज़ ना करिए वेंजाइना के लिए। वेंजाइना के लिए अलग अलग वॉशेज आते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे या जिस भी ब्रांड पे आपको ट्रस्ट है आप वो वाला वॉश ले सकते हैं। इंटीमेट वॉश बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी ब्रांड के, तो आपको जो भी पसंद है आप ट्राई कर सकते हैं। बट हमेशा अपने वेंजाइना को साफ़ रखिए। बार बार वॉश करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट एक दिन में एक बार ज़रूर आप अपने वेंजाइना को साफ़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लेकवार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ ज़रूर करना है क्योंकि ये जो समय होता है ह्यूमिडिटी वाला, तो आपके वेंजाइना से स्मेल भी आ सकती है, या फिर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं नमी वगैरह के कारण जो बैक्टीरिया वगैरह है वो काफ़ी जल्दी बिल्ड होते हैं। तो इसलिए आपको अपने वेंजाइना की सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी इसे बिना साफ किए ना रहें, एक दिन में कम से कम एक बार जरूरी से साफ़ करें। कोई भी अच्छे इंटीमेट वॉश से आप साफ कर सकते हैं। सोप को कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप सोप को यूज़ करते हैं तो आपको अलग से कुछ और इन्फेक्शन भी हो सकता है। गाइस, नेक्स्ट टिप है, वेंजाइना को आपको ड्राई रखना है। जी हाँ, क्योंकि अभी काफ़ी गीला टाइप का मौसम होता है तो आपका जो वेंजाइना है वो जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी वेंजाइना जो है वो ड्राई रहे। अगर आप टॉयलेट वगैरह के लिए भी जाते हैं तो उसे अच्छे से आप कह सकते हैं वाइप करके उसके बाद ही आएँ, क्योंकि वरना आपका इनर जो है वो भी गीला हो सकता है और फिर स्मेल और आप कह सकते हैं बैक्टीरिया के बिल्ड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ही जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी आप चाहे कर सकते हैं, अपने वाइप कर सकते हैं अपने वेंजाइना को एक दो बार जब भी आप टॉयलेट वगैरह के लिए जाएँ, जो भी आप करें, बट अपने वेंजाइना को हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करें ताकि आपका जो इनर है वो भी ड्राई रहे और बैक्टीरिया वगैरह बिल्ड होने के कोई भी चांसेस ना रहे। नेक्स्ट है गाइस, सही कपड़ों का चुनाव। जी हाँ, तो सबसे पहले हम अगर इनर या अंडरगारमेंट्स की बात करें तो आपको कॉटन के इनर और अंडरगारमेंट्स यूज़ करने हैं, स्पेशली मॉनसून सीजन में, ताकि वो जल्दी सूख भी जाएं, जल्दी आप उसे वॉश कर पाएं और साथ में वो एयर फ्लो वगैरह को आप कह सकते हैं रोके नहीं। तो हमेशा ही कॉटन के इनर यूज़ करिए आप, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, इन्फेक्शन वगैरह से आप बच पाएंगे। और जो भी टाइट जीन्स वगैरह हैं या स्कर्ट वगैरह हैं, लेगिंग्स हैं, जेगिंग्स हैं, उसे थोड़ा कम पहनने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे जो है आपका जो वेंजाइनल एरिया होता है वो ब्लॉक हो जाता है, एयर वगैरह नहीं जा पाते हैं, तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। वैसे तो अगर आप रेगुलर बेस में बाहर जाते हैं तो आपको इन कपड़ों को पहनना होगा, बट घर पे आप अवॉइड करें। घर पे आप शॉर्ट्स वगैरह पहन सकते हैं कंफर्टेबिलिटी के लिए, या फिर अगर आप स्कर्ट वगैरह में कंफर्टेबल हैं तो स्कर्ट वगैरह पहनिए, जिससे कि टाइट ज़्यादा फील ना हो और एयर फ्लो बना रहे। इससे भी आप बैक्टीरिया के आप कह सकते हैं बिल्डअप को रोक सकते हैं, आपके वेंजाइनल एरिया पर बैक्टीरिया नहीं होगा। नेक्स्ट टिप है गाइस, रेज़र का यूज़ आपको नहीं करना है, मतलब बचना है इन शॉर्ट अगर कहें तो, और जब करें तो काफ़ी केयरफुली करें। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, एक तो ये मॉनसून का टाइम है गाइस, और अगर आप रेज़र यूज़ करते हैं तो छोटे छोटे माइक्रो कट्स आपके वेजाइनल एरिया पे आ सकते हैं, और जो कि बाद में आपको कुछ बड़े इन्फेक्शन भी दे सकते हैं। जी हाँ, तो आप रेज़र का यूज़ करने से अगर हो सके तो बचिए, जितना भी हेयर है उसे आप सीज़र वगैरह से हटा सकते हैं। बट अगर आप रेज़र का यूज़ कर भी रहे हैं तो बिल्कुल केयरफुली करिए, कोई भी कट्स वगैरह नहीं आना चाहिए। थोड़े हेयर रह जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको अपने वेंजाइनल एरिया को बिल्कुल बचाकर चलना है ताकि किसी भी तरह के कोई भी इन्फेक्शन ना हो।
फर्स्ट और लास्ट टिप है गाइस कि आपको रहना है हाइड्रेटेड और मसालेदार खाने से भी बचना है। जी हाँ, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा अवॉइड करिए आप स्पाइसी फूड को, और हाइड्रेट रहिए यानी कि पानी पीते रहिए। आप सबको पता है कि अगर आप हाइड्रेट रहते हैं, वाटर या लिक्विड लेते रहते हैं, तो आपके बॉडी के जो आधे से ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं वो ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं। तो हमेशा ही हाइड्रेट रहिए, पानी पीजिए, उससे आपको पूरा शरीर काफ़ी अच्छे से इन्फेक्शन वगैरह को रोकने में हेल्प करेगा और इन्फेक्शन बिल्डअप भी नहीं हो पाएंगे। तो आप अगर ये वाली टिप्स फॉलो करते हैं तो बरसात यानी कि मानसून के सीज़न में आपकी जो व्यंजनर एरिया है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, आप आराम से अपना जो भी मानसून सीज़न है उसे एंजॉय कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ फूड्स मैं प्लस पॉइंट में बता देती हूँ, जिसे कि अगर आप खाते हैं तो आपके वेंजाइना में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहले मसालेदार खाने आपको नहीं खाने हैं। स्ट्रॉबेरी, लहसुन, प्याज और सादा दही यानी कि प्लेन योगर्ट आप ट्राई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं, इससे जो है आपकी वेंजाइना एरिया काफ़ी सेफ रहेगी और उसे बैक्टीरिया भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स।